देख रहे हैं नेशनल टुडे थानबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल, मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। वासीपुर में एक बड़ी घटना होने से बची। जी हां, मैं आपको बता दूं कि धनबाद के वासीपुर में तकरीबन 8:30 बजे एक स्विफ्ट कार में एक लड़का अपशब्द बोल रहा था। उसी बीच भीड़ ने उसे घेर लिया। उस लड़के को भीड़ से बचाकर वहां के लोगों ने उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया। मैं आपको बता दूं कि 2 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी ही देर में वासेपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। नेशनल टुडे लैब के माध्यम से आप जान पाएंगे, मामला भी वहां शांत है, माहौल शांतिपूर्ण हो गया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा बैंक मोड़ थाना के। कोई व्यक्ति यहां पर जा रहा था नारा लगाते हुए, जिसके लिए कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगा, उनको घेर करके रोक रहा कर रहे थे। इसीलिए कुछ लोगों ने उन लोग को छोड़ा करके भगा दिया। ये मामला था अभी शांति। उसका माहौल कैसा है सर? शांति सर, आगे चल के थाना को प्रकरण क्या दर्ज है, क्या कार्रवाई करेंगे सर वैसे लोगों पर? कार्रवाई चिन्हित करके उन लोग पर कार्रवाई होगी। एक मिनट, उसके बाद एक आदमी हम लोग को टेम्पो वाला बताया कि भैया आराम में एक आदमी के कार वाला को कुछ लड़का लोग मिल के मार रहा है। उसके बाद में हम लोग दौड़ करके आए तो कार में बहुत से लोग हम लोग वासेपुर का लोग उसको पूरा घेरे हुए था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। वो क्या बोला क्या नहीं बोला उससे हम लोग को मतलब नहीं था, लेकिन कुछ लड़का बदमाशी कर रहा था, मारने के लिए चाह रहा था। कुछ लड़का उसको बचाने के लिए, ज्यादा लोग बचाने के लिए चाह रहा था। हम लोग भी आए उस पर देखे तो एक दो लड़का गाड़ी पर जब हाथ चलाया तो हम लोग उसको खूब मारे, मार करके उन लोग को भगाए। कैसी में था वो लोग? कार में स्विफ्ट में था, उसका नंबर भी उन्होंने नहीं देख पाया। उसके बाद में उन लोग को हम ही लोग का मान लिया कि एक लड़का गाड़ी में बैठ करके ड्राइव करके उसको बेचारा घर तक उसको छोड़ दिया। हम ही लोग मान लिया बाद में माहौल किसी तरह को बने। फिर एक स्कॉर्पियो एक गाड़ी जा रही थी, इनोवा या कोई गाड़ी था 11 नंबर का, उसको भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो हमको सच बात इतना बड़ा फिर हो सकता पता लगा था, फिर कोई इसको बात को देखने को हमको पहचानता था, बताया नहीं हमको बना दिया उनके भैया कोई बात नहीं काम। फिर उस गाड़ी को लेकर के हम आगे तक जो है उनको छोड़वा दिए, ऐसा किसी तरह का कोई बात नहीं। और हम लोग तो यहाँ पर खड़ा है, अब किसी तरह का कोई आँच यहाँ पर नहीं आने देंगे। आपको क्या लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ लड़का लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश।